शहरी क्षेत्र में पॉलिथीन पर रोक लगाने और स्वच्छ बनाने के लिए सामाजिक संगठनों की महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार ने पॉलिथीन पर बैन लगा रखा है, उसके बावजूद भी दुकानदार व्यापारी पॉलिथीन का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं, जिनको लोग प्रयोग में लेने के बाद खराब बचा सामान डालकर सड़कों पर और रास्ते में फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में पॉलिथीन की जगह जगह ढेर लग जाते हैं, जिनमें आवारा पशु मुंह मार कर पॉलिथीन शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण आए दिन पशुओं की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके साथ ही हानिकारक पॉलिथीन से नालियां रुकना, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ना, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए प्रशासन को पॉलिथीन प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर कपड़े के बैग प्रयोग में लेने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा जगह जगह कचरे के ढेर से छुटकारा दिलाने के लिए डोर टू डोर कचरा उठाने के वाहन भी चलाए जाएं, ताकि नागरिकों को बदबूदार ढेरों से छुटकारा मिल सके और बीमारियों से बचा जा सके। ज्ञापन देने के दौरान आधे घंटे तक सामाजिक संगठनों और SDM नगरपालिका EO में समाधान निकालने पर विचार विमर्श चला और प्रशासन की तरफ से समस्याओं के निदान करने का आश्वासन दिया गया। सभी संगठनों जो भी सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, उन सभी ने मिलकर के माननीय SDM साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसके अंदर पॉलिथीन को पूर्ण रूप से बैन कराने के ऊपर जोर दिया गया। पॉलिथीन 50% प्रदूषण का कारण बनी हुई है, ज्यादातर हर जगह पॉलिथीन, हर जगह प्लास्टिक काफी ज्यादा हो रहा है, और जिसके कारण पशुओं की मौत तक हो जाती है। तो इसलिए ये अनुरोध किया गया है कि प्लास्टिक देना ही बंद किया जाए, दुकानदारों को भी मना किया जाए कि वो प्लास्टिक के जो पॉलिथीन के बैग्स होते हैं उनको यूज ना करें, उसकी जगह पे कपड़े से बने हुए बैग्स वगैरह यूज करें। क्या कुछ आश्वासन दिया है सर ने? कहा है अभी एक मीटिंग बिठाई जाएगी, जिसमें सारे व्यापारी संगठन के भी जो भी सदस्य वगैरह होंगे, हमारी EO मैम और जितने भी जो पार्षद वगैरह हैं, सब लोगों को साथ में मिला करके, सामाजिक संगठनों को साथ में मिला करके एक मीटिंग रखी जाएगी। उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा कि इसके लिए क्या क्या कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे कि सकारात्मक रिजल्ट मिल सके।